भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय और कमलनाथ को डीके नाम देते हुए कांग्रेस में डीके की एंट्री पर तंज कसा है। गृह मंत्री ने कहा कि डीके ने मिलकर कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। उस डीके पर अच्छा भरोसा करने से अच्छा है सुरेश पचौरी, अरुण यादव घर पर बैठे हैं, इन्हें काम कर ले, बाहर से लाने की क्या जरूरत है। केरल के मंदिरों में संघ की शाखाओं पर बैन को लेकर बोले, राष्ट्रभक्तों पर बैन लगाना तुष्टिकरण की राजनीति को बताती है। वहीं कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने ट्वीट कर पलटवार करते हुए कहा कि बंटाधार बोलते ही किसी की छवि के ध्यान में आती है। दिग्विजय सिंह मतलब बंटाधार। अब दिग्विजय सिंह जी की आती है तो रिटर्न दिग्विजय सिंह हो गए ना प्रदेश के अंदर। और बंटाधार और दिग्विजय सिंह ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप दिग्विजय सिंह कह लो तो बंटाधार आ जाएगा। और बंटा, मैं केके भाई से एक बार जरूर पूछना चाहता हूं, ये सवेरे ही सवेरे आपने जो ट्वीट किया, ये कमलनाथ जी ने कराया है क्या, या आपकी अंतरात्मा की आवाज है ये बंटाधार? डी और के पहले से हैं, या तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को दो ही डी के काफी हैं, बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए। कमलनाथ जी अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं, इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता।